नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवरात्रों की सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कल दशहरा है और दशहरे को लेकर आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि सोलन में भी इस वक्त तैयारियां चली हुई है। दशहरे के मौके पर हर वर्ष सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होता है और यहाँ पर एक ठोडो मैदान में मेले का आयोजन किया जाता है। दंगल भी होता है, उसको लेकर भी तैयारियाँ यहाँ पर चली हुई। अखाड़े को तैयार किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों से यदि हम देखें तो सोलन नगर निगम के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं एक चुनौती बने हुए हैं। वजह है कि पिछले दो सालों में यह पुतले करीब 5 सेकंड में ही जलकर राख हुए थे और उसके कारण कई सवाल खड़े हुए थे। लेकिन इस बार व्यवस्थाओं को बदला गया है और इस बार प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को जो दो वर्षों में निराशा हुई उन्हें दूर किया जा सके। और यही वजह है कि नगर निगम ने इस बार जो पुतले बनाने वाले कारीगर हैं, पहले यूपी से या दिल्ली से आ रहे थे, इस बार बठिंडा से आए हुए हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस कितनी मेहनत यहाँ पर की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि इस बार लोग दशहरे का जो आनंद उठाएंगे। दशहरे के मौके पर जो रावण का दहन होना है, कुंभकर्ण का दहन होना इनके पुतलों का, और लोग इसका पूरा इंजॉय करेंगे और इस बार काफ़ी देर तक यह जलते रहेंगे, इस बार ऐसा दावा किया जा रहा है। और क्योंकि लास्ट ईयर से सबक नगर निगम ने लिया है और यही वजह है कि नए नए कारीगरों को यहाँ पर बुलाया गया है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि जो रावण की बनावट है काफ़ी बढ़िया है, 40 फुट का रावण है और कुंभकर्ण भी 35 फुट के आसपास और मेघनाथ 30 फुट के आसपास बनाया जा रहा है। और क्योंकि पिछले वर्ष यदि हम बात करें तो पिछले वर्ष और उससे पहले भी इस तरह का हुआ कि जब भी रावण का दहन किया जाता था तो 5 सेकंड के अंदर अंदर जब लोग उस क्षण को अपने कैमरों में कैद करने का प्रयास करते थे तब तक रावण का दहन हो जाता था, कुंभकर्ण का दहन हो जाता था और नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पर पुतले तैयार किए जा रहे थे और उसको लेकर बार बार जब इस तरह की पिछले दो वर्षों में लोगों ने देखा कि जो पुतले बनाए गए हैं ये महज खाना पूर्ति है तो उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। और लेकिन इस बार नगर निगम ने थोड़ा सबक लिया है और हम थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे। जो इस वक्त पुतले बना रहे हैं बबलू यादव जी हैं जो बठिंडा से यहाँ पर आए हैं। बबलू जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। और जो आप पुतले बना रहे हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के, पहले तो हमें बताएं कि कितने फीट के होंगे? सर 40 से आसपास रावण का। अच्छा जी। कुंभकर्ण का 35 से आसपास। अच्छा। जो मेघनाथ का 30 से प्लस। 30 से प्लस। हाँ जी। क्योंकि हम पिछले दो वर्षों की बात करें तो सोलन में जब भी रावण मेघनाथ के दशहरे के मौके पर ये पुतले बनाए गए और जब भी दहन किया गया तो करीब 5 सेकंड भी अब टिके नहीं है, 5 सेकंड में ही जलकर राख हो गए। लोग भी बड़े भारी निराश हुए हैं, तो आप किस तरह का आश्वासन देंगे कि काफी देर तक इस बार लोग इंजॉय करेंगे, किस तरह की तैयारियां आपने की? सर इस बार किसी को निराश नहीं होने देंगे, जो 2 साल से आप कह रहे हो चुनौती है वो इस बार बिल्कुल खत्म कर देंगे। अच्छा जी। हाँ जी सर। तो आपने क्या विशेष प्रयास किए? सर इसमें बहुत प्रयास है, बहुत कोशिश करी है, बोलने का मौका ना मिले लोगों को, जो भी मैडम वैडम जो भी है भरोसा किसी का इस बार तोड़ना नहीं है हमें। अच्छा जी। हाँ जी। क्या विशेषता है जो आप बना रहे हैं इसमें, क्या विशेष आप इसमें नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या लगा रहे हैं? सारे सर नई चीजें हैं, छाती चौड़ी है एकदम। अच्छा जी। 12 फीट छाती है कम से कम। अच्छा जी। 12 फीट कोई बना के नहीं देता। अच्छा जी। हाँ जी। लाते हैं 10 फुट के आसपास। अच्छा जी। हाँ जी। मूछे हैं, देखो मूछे, देखो सबसे डिफरेंट मूछे हैं। हाँ जी। हाँ मूछे काफी आकर्षक। हाँ जी। हाँ जी। ये रावण है सर। अच्छा जी। हाँ जी।
क्योंकि हमने पिछली बार देखा था तो जो पटाखे लगाए जाते हैं थोड़े से ही लगाए गए थे, एकदम ही जले और उसके बाद कमी लगा हुआ सर, तभी तो इस बार डबल ट्रिपल पटाखे हैं, डबल ट्रिपल खूब धमाके होंगे, खूब धमाका सर। अच्छा जी, सोलन वालों को पता लगा रावण दहन हो रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, इस बार इतनी बड़ी चुनौती। हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग आपके यहाँ पर लगे हुए हैं? सर यहाँ पे तीन ही है सर। तीन ही है? कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? सर मेरे को कम से कम 12-13 साल हो गए सर। अच्छा। हाँ जी, 12-13 साल। हाँ जी, मेरे मामा बनाते थे, उनको देखते देखते मैं भी सीख गया, फिर मैं बनाने लग गया। 12-13 वर्ष। हाँ, सोलन में तो पहली बार आया हूँ, इससे पहले भी आया? नहीं, सोलन में मेरा फर्स्ट टाइम, बाकी चंडीगढ़ में बना के आया हूँ 15-20 दिन पहले, तीन पुतले। अच्छा, नया गांव चंडीगढ़ सिंगा देवी मंदिर के अंदर। अच्छा, वो दशहरे के लिए? हाँ जी, दशहरे पहले ही बना दिया सर, 15-20 दिन पहले। अच्छा जी। हाँ जी, तो सोलन हिमाचल में पहला कि हिमाचल में और जगह भी? नहीं, हिमाचल में फर्स्ट टाइम। हाँ जी, चलो आप लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार निराश नहीं होंगे। और ये बबलू यादव जी थे जो कारीगर है मेन, और अब यहाँ पर पुतले बना रहे हैं। और इस बार जो ये दावा कर रहे हैं कि पिछले दो वर्षों में जिस तरह से लोगों को निराश होना पड़ा है, इस बार निराश होने का मौका नहीं देंगे। खूब धमाके होंगे जब रावण का दहन होगा और दूर दूर तक इसकी आवाज़ गूंजेगी। और लोग जो ठोडो मैदान में कुश्ती देखने और रावण का दहन देखने के लिए यहाँ पर आएंगे, वो खुशी खुशी यहाँ से जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से पिछले दो सालों में लगातार निराश लोगों को होना पड़ा है, इस बार ऐसा नहीं होगा इस तरह का दावा किया जा रहा है। और हम भी क्योंकि नगर निगम की ओर से भी इस बार, क्योंकि नगर निगम ने भी इसे सबक लिया है और नगर निगम ने नए कारीगरों को ढूंढा है और नए कारीगर यहां पर लेकर आए हैं जिनसे लगातार बनवा रहे थे। इस बार उनसे दोबारा से बनवाने का रिस्क भी नहीं लिया क्योंकि लाखों रुपये पुतलों के निर्माण पर खर्च होते हैं, और लेकिन लोगों को आनंद भी ना आए तो उस पैसे की भी बर्बादी ही होती है। लेकिन इस बार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो रावण यहाँ पर बनाया जा रहा है, और आप तस्वीरों के से देखें कि काफ़ी रावण की जो मूछें हैं वो काफ़ी आकर्षक इस वक्त लग रही है। और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी साथ में हैं जो 40, 35 और 30 फुट की हाइट इनकी इस बार रहेगी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दशहरे की तैयारियां शुरू हो चुकी है सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में दशहरे का त्यौहार मनाया जाएगा और यहां पर दंगल का भी आयोजन होता है। और दंगल के बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन होगा। रामलीला यहाँ पर गंज बाजार में चली हुई है और वहाँ से भगवान राम की शोभा यात्रा निकलेगी। और जैसे ही शोभा यात्रा ठोडो मैदान में पहुंचेगी तो रावण और राम के बीच में यहां पर युद्ध होगा और इस दौरान रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। पिछले दो वर्ष यदि हम देखें तो काफ़ी निराशाजनक लोगों के लिए रहे हैं क्योंकि लोग बड़े दूर दूर से यहाँ पर सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में रावण का दहन करने के देखने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह से रावण के पुतले 5 सेकंड में ही जलकर राख हुए हैं पिछले दो वर्षों में, तो उससे लोग काफ़ी निराश हुए। हालांकि नगर निगम ने उससे सबक लिया है और इस बार कारीगर बदले हैं, नए कारीगर लेकर आए हैं और वो दावा कर रहे हैं कि इस बार ऐसे धमाके होंगे कि सोलन वाले भी याद रखेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह के धमाके होते हैं। और तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।